मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ और फिर से हम सबको इस तरह से मिलाया परमेश्वर ने धन्यवाद हो और शुभ संदेश चैनल और तमाम बच्चे जो बहुत निरंतर परिश्रम करते हैं हमारे चर्च के लिए और इस कार्यक्रम के लिए उन के लिए धन्यवाद छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम हम शुरुआत करेंगे धन्यवाद प्रभु येशु सेकेंड कोर थ्री फाइव में लिखा है यू आर अवर सफिशिएंसी इसलिए प्रभु सचमुच में आपके द्वारा ही हम सब कुछ जो करते हैं कर पाते हैं येशु तेरे चरणों में बैठ के प्रभु देखने वाले दर्शकों को मुझको सबको प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं आपकी अनुग्रह दया को मांगते हैं और प्रभु ये बाइबल को जो तैयारी किया प्रभु उस बातों को प्रभु हललुया आप जीवित कीजिए प्रभु हालेलुया तेरे वचन दे हो प्रभु और सबका जीवन में प्रभु हां और आमीन के साथ पूरा हो यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हूं आमीन आज जो मैंने संदेश लिया है ये इब्रानियों ग्यारह अध्याय एक से 6 तक लिया है ये हीरोस ऑफ फेथ विश्वास की हीरोस हालेलुया और फिर मतलब विश्वास जो करके दिखाया डेमोन्स्ट्रेट किया उन लोग के बारे में थोड़ा सा हम फेथ क्या है विश्वास क्या है और वो उन लोग ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया वो कैसे किया है वो थोड़ा सा हम डिटेल में जल्दी से हम देखते हैं सबसे पहले विश्वास की जो परिभाषा क्या होती है विश्वास क्या है कि जैसे इब्रानियों ग्यारह और एक में हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है फेथ जो है विश्वास जो है अंधे की चीजों का प्रमाण है हालेलुया देखा नहीं है उन चीज़ का प्रमाण है हालेलुया ऐसे जो हम देखते नहीं हैं विश्वास के आंकों से सिर्फ देखते हैं वही चीज को विश्वास की जरूरत है एक व्यक्ति ने ऐसे बोला जो अलौकिक दुनिया है इनविजिबल वर्ल्ड और जो देखते हैं ये दुनिया और ये दोनों का बीच में फेथ मतलब विश्वास मतलब ये अंधे की दुनिया और देखी दुनिया ये दोनों का आ, ब्रिज जैसे जो आ, जो कंबाइंड करता है दोनों का उसी को विश्वास बोलते हैं मुझे ये डेफिनेशन बड़ा अच्छा लगा कि देखो विश्वास के द्वारा ही हम पहले अनदेखी को देखते हैं और फिर हम उसको इस दुनिया में जो प्राकृतिक दुनिया में शारीरिक दुनिया में फिर उनको ट्रांसलेट करके हम इस आंख से भी हम देखने पाते हैं इसलिए अंधे की चीज़ों का निश्चय है ये परिमा एविडेंस है ललू इस तरह से अबकुक टू और फोर में लिखा है क्या लिखा है कि जो धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहता है ना देख उसका मन फुला हुआ है उसका मन सीधा नहीं परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा और दूसरा तिमोती चार का साथ में लिखा है कि पॉलुस कहता है मैं एक अच्छा विश्वास की कुश्ती लड़ चुका हूँ मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली है मैंने विश्वास की रकवाली भी किया ये विश्वास का कुश्ती क्यों बोल रहा है इसका मतलब क्या है कई बार हम इस से, से शारीरिक आँख से नहीं देखते है ना आ, विश्वास के आंखों से देखते हैं जो और लोग का शायद वो विश्वास नहीं है आपके जो अगल बगल में परिवार में या कहीं भी और फिर वो लोग नहीं देख रहे आप देख रहे फिर ये एक बहुत बड़ा एक संघर्ष होता है क्योंकि कई बार लोग जो इस आंग से देखते हैं वही चीज पे दे विश्वास करते हैं जो अंधे की चीजों पर विश्वास करते हैं इसलिए पॉलूस तिमोतीस को कहता है मैंने एक अच्छा विश्वास की कुश्ती लड़ा तो ये विश्वास में चलने का मतलब है ये एक कुश्ती लड़ना शतान से कुश्ती भी लड़ना होता है रोमियो चार और सत्रह में लिखा जो है नहीं है, है करके पुकारो जो है नहीं है, है करके पुकारो इस तरह से विश्वास की परिभाषा है जो आत्मिक आँखों से देखना और फिर उसको विश्वास की घोषणा कर कर के कर -कर के वचन को घोषणा कर करके प्रार्थना कर कर के, के संगति को सारे हथियार जो परमेश्वर ने हमें दिया वो खास करके वचन की हथियार जो तलवार वचन की तलवार ये सारे घोषणाएं करके विश्वास करके फिर उस चीज को इस दुनिया में भी हम इस आंख से भी हम देखने चाहिए यही विश्वास होता है हम जल्दी से हम कुछ लोगों को देखेंगे जो परमेश्वर की ओर से है जो परमेश्वर ने जब इस संसार को सृष्टि किया है कैसे सृष्टि किया है उत्पत्ति एक और एक से तीन में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था था परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाओ तो उजाला हो गया हालिया आपको पता है ना कि ए, कैसे परमेश्वर ने वचन के द्वारा बोल बोल के पवित्र आत्मा मंडर आ रहा था पृथ्वी बेडोल था और पानी पानी था तब परमेश्वर ने क्या किया वो शब्द कहा और शब्द कहते हुए क्रिएट हो गया सृष्टि हो गया योहन्ना एक और एक से तीन में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था यही आदि में परमेश्वर के साथ था सब कुछ उसी ने द्वारा उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है हालेलुया और इसी तरह से साम 33 थ्री सिक्स और सेवन में भी लिखा आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की स्वास से बनी वो समुन्द्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता वो गहरे सागर को अपने भवन डर में रखता है परमेश्वर ने एक शब्द कहा फिर उसका सृष्टि ऐसे ही हो गया हालेलुया कैसे सृष्टि किया है परमेश्वर ने सबसे पहला दिन क्या किया वो उजाला कर दिया और उजाला को अलग अंधेरे को अलग दिन और रात बनाया और दूसरा दिन आसमान को बनाया ऊपर का आसमान ऊपर और पृथ्वी का आसमान यहाँ ऐसे आसमान को उसने बनाया और तीसरा दिन ड्राई लैंड जमीन को अलग किया है समुद्र को अलग किया है पेड़ों को और पौधों को उसने बोला और वैसे ही हो गया और फोर्थ डे चौथा दिन फिर उसने सूरज को चांद को और सितारों को बनाया और पांचवा दिन पांचवा दिन जितने जल में जो सी एनिमल्स है सी क्रिएचर्स है वो उसको जल में जितना जानवर है वो सब बनाया और फिर उसके बाद उड़ने वाला पक्षियों को भी पांचवा दिन बनाया और छठवा दिन क्या बनाया जानवर जो हम देखते हैं ये भूमि में जो चलते फिरते हैं वो सब जानवरों को बनाया और छठवा दिन मनुष्य को भी बनाया हाल लुया मनुष्य को कैसे बनाया बाकी सब कुछ उसने शब्द से बनाया और फिर मनुष्य को अपने हाथों से मिट्टी लेकर अपने हाथों से बनाया अपना सांस फूका और फिर वो मनुष्य जो है जीवित प्राणी हो गया और फिर हम पढ़ते हैं एक वचन जेनेसिस वन ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी एट फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुन्द्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखे तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप के में मनुष्य को रचा अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी उसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षी पृथ्वी पर वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखा हालेलुया और जेनेसिस पढ़ रहे यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसे नतनों में जीवन का सांस फूक दिया और आदम जीवित प्राणी हो गया और उन्नीस में पढ़ रहे यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के जंगली पशुओं और आकाश के सब भाति के पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया कि देखे वो उनका क्या क्या नाम रखता है और जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया हालेलुया इसी तरह से परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचना की हाल और फिर नारी को कैसे बनाया 2, 21, तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया जब वो सो गए थे उनके पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया यहोवा परमेश्वर ने पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लाया आदम ने कहा अब ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस मांस इसलिए उसका नाम नारी होगा क्योंकि नर से निकल गई है। लुया इस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि किया और फिर दूसरा हिस्सा कैसे परमेश्वर ने केन और आबेल का जो बलिदान वो परमेश्वर ने केन का बलिदान को रिजेक्ट किया तिरस्कार किया और आबिल का जो बलिदान को उसने ग्रहण किया क्यों ऐसा हुआ है कि आ, के, केन और आबिल को जब परमेश्वर ने इसने जब आदम और हवा के द्वारा जेनेसिस चैप्टर चार का चार आबिल भी अपनी बेट जो केन पहले उत्पन्न हुआ आदम और हवा के द्वारा और फिर दूसरा एक और पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हाबिल है और मैं जेनेसिस चार का चार और पांच पढ़ रही हूँ और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों की कई एक पहलौटे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई ये तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया परंतु केन और उसकी बेंट को उसने ग्रहण नहीं किया तब केन अतिक्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गए यदि फिर परमेश्वर ने कहा यदि तू भला करे तो क्या तेरी बेंट ग्रहण नहीं होता यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी तुझे उस पर प्रभुता करनी है ऐसे करके जैसे देखिए यहाँ पे अम्म केन का आ, केन का जो है जो पेलौटा था उसका बलि क्यों नहीं परमेश्वर ने ग्रहण किया है और हाबिल का बलि क्यों ग्रहण किया है सबसे पहले हम केन को देखते हैं केन को क्या करना था जब उसने गलती किया उसका भाई के ऊपर गुस्सा होने के बजाय वो अपने आप को देखना था कि मेरा बलि क्यों ने ग्रहण हुआ अपने आप को दीन होना था नम्र होना था परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना था लेकिन उसके बदले उसने क्या किया वो अहंकार रखा होगा इसलिए वो अपना गलती को नहीं देखते हुए वो दूसरा अपना भाई को दूसरों का गलती देखते ना ये ज़्यादातर अहंकार के वजह से होता है दूसरों को देख रहे मेरा नहीं किया तो उनको कैसे ग्रहण किया और फिर वो क्रोध से भर गया जलन से भर गया ईर्षा से भर गया और फिर जब ऐसे गलती पे गलती गलती पे गलती कर जाते हैं तो वो पाप में बदल जाता है फिर हाबिल जब अकेला था उसने उसको मार भी दिया मर्डर कर दिया दैट इज द फर्स्ट मर्डर इस तरह से खेन जो है परमेश्वर के नजर में बुरी तरह से गिर गया ग्रहण सिर्फ नहीं वो हर तरह से वो गिर गया तभी उसको श्राप आया तो वेगबान मतलब पूरा घूमते रहेगा ऐसे करके श्राप आया लेकिन हाबिल को क्यों परमेश्वर ने उनका ग्रहण किया तीन चार पॉइंट्स हाबिल ने की जब जेनेसिस थ्री उसमें वन परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े का वस्त्र बनाकर उनको पहना दिया ये हाबिल ने देखा कि एक मेमना को काट के उसका चमड़ा को वस्त्र के रूप में परमेश्वर ने उनकी मम्मी पापा को दिया उसने ये कैसे भी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने ये समझा कि परमेश्वर का भेंट चढ़ाते समय रक्त बहाना जरूरी है यीशु मसीह का क्रूसीफिक्शन को भी दिखाता है आने वाला समय में उसने इसलिए एक भेंट को उसने मार के परमेश्वर की बलि चढ़ाई और दूसरी पॉइंट उसने सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट उत्तम आशीष परमेश्वर ने पहला जो फल है उसने उसको परमेश्वर के पास लेकर आया नीति तीन नौ और दस में पढ़ते अपने संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना इस प्रकार तेरे खाते भरे और पूरे रहेंगे तेरे रस कुंडों में नया दाक मधु उमड़ता रहेगा और फिर फिर तीसरा पॉइंट क्या है जब परमेश्वर को हमारा धन से पहले हम चाहिए गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर हमारा एटीट्यूड कैसा है देते समय और हाबिल के अंदर परमेश्वर ने ये चीयरफुल गिविंग मतलब हर्ष से देने वालों को परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है दूसरा कौरंत्य नौ छः से आठ पढ़ रही हूँ परंतु ये बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और बहुत बोता है बहुत काटेगा हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे और ना कुड़कुड़ -कुड़ के ना दबाव से क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत से दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ दो तुम्हारे आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो हाल इस तरह से जो हाबिल है जो सबसे बेस्ट चीज परमेश्वर के पास लेके आया और एटीट्यूड ऑफ चीयरफुलनेस अपने हर्ष के दिल खुशी से दिया इसलिए परमेश्वर ने और लास्ट पॉइंट है हम देखते हैं जो फैट होता है उसने उसने परमेश्वर को भेंट दिया जो चर्बी होता है ना वाइट वाइट वो वाला वो वो क्या दिखाता है प्योरिटी को दिखा है पवित्रता को दिखाता है अगर आप देखेंगे जो मूसा के तम्बू में भी मैंने बताया कि ऑलिव ऑयल वो जतून का तेल वो हमेशा वो दिया जलता रहता था और वो बुद्धिमान कुमारी मूर्ख कुमारी में भी हमेशा ऑयल मतलब पवित्र आत्मा को प्रार्थना का जीवन को ये सब दिखाता है ना तो ऑयल यहाँ पे जो चर्बी है जब उसको पिघाल देते तो ऑयल जैसा बन जाता है तो इस तरह से ये सारे बात परमेश्वर को प्रसन्न आया इसलिए हाबिल का जो बलि है परमेश्वर ने ग्रहण किया और फिर जब और ये जो जब परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहाँ है ये बोल रहे क्या मैं भाई का रखवाला हूँ क्या और फिर क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं अच्छा तू भाई का रखवाला नहीं है उससे भी बढ़कर है तू भाई है तुमको नहीं पता तो किसको पता होता है ना इसलिए वो परमेश्वर बोल रहे जमीन से उसका खून बोल रहे हालेलुया और इसलिए यीशु मसीह का लहू भी हमें बोलता है हमें ही विल द ब्लड स्पीक्स फॉर अस हालेलुया इब्रूस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर में लिखा है और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है हाबिल से बढ़कर उत्तम बातें कहने वाला लहू कौन सी है जो परमेश्वर का यीशु मसीह पुत्र यीशु मसीह का लहू है जो हाबिल से बढ़कर उत्तम बातें पुकारता है इसलिए आपको एक गीत भी है यीशु के लहू को पुकारो तो इसलिए आपको यीशु का लहू को पुकारते रहना है अगर इब्रानियों एक से छ पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया और दूसरी बात आ, केन और हाबिल का जो ये बलिदान के बारे में लिखा और तीसरा बात ये लिखा है इनोक के बारे में भी जेनेसिस 523 और 24 इस प्रकार हानोक की कुल आयु तीन सौ वर्ष की हुई हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया हालेलुया लुया यहाँ पे एक और व्यक्ति का जिक्र है जो इब्रानियों एक से छ मैं पढ़ रही हूँ और यहाँ पे हानो का जिक्र है हानो का एक प्रत्येक व्यक्ति है परमेश्वर के नज़र में क्यों प्रत्येक व्यक्ति है क्योंकि हानोक का समय में अगर हानोक जेनेसिस उत्पत्ति का पांच अध्याय में पढ़ते हैं छः अध्याय से बहुत लोग बहुत दुष्ट हो गया इतना दुष्ट हो गया कि परमेश्वर पछता रहे मनुष्य को क्यों बनाया इस समय ऐसे दुष्ट लोग थे लेकिन उनको नहीं देखा इधर उधर नहीं देखा हीनों परमेश्वर के अनुसार उनके इच्छा के अनुसार लगातार परमेश्वर का भाता हुआ जिंदगी को बिताया 365 सिक्सटी बिताया और फिर ओबीडियंस में रहा हमेशा ओबीडियंस में रहा इसलिए परमेश्वर ने उनको मृत्यु जैसे शारीरिक मृत्यु होता है ना सिर्फ दो ही लोग हैं जो शारीरिक मृत्यु को वो नहीं देखा परमेश्वर स्वयं उनको उठा लिया बिना मृत्यु को उनको उठा लिया है यही हम पढ़ते हैं कि जेनेसिस चैप्टर फाइव वर्स ट्वेंटी फोर में और एक व्यक्ति है जो ऐसे उठा लिया गया है ये दूसरा राजा दो का ग्यारह में लिखा है वो एलिया के बारे में एलिया के बारे में लिखा है कि वो चलते चलते बातों कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया हालेलुया इस तरह से हानोक और एलिया ये दो ही व्यक्ति परमेश्वर के साथ डायरेक्टली उठाया गया और वो शारीरिक एक प्राकृतिक नेचुरल डेथ को उन लोग ने नहीं देखा हालेलुया और फिर इब्रानियों ग्यारह और छः में लिखा विश्वास बिना उन्हें प्रसन्न करना अनहोना है क्योंकि परमेश्वर के आ पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है हालेलुया और पता हीनों को क्यों परमेश्वर ने ऐसे उठा लिया क्योंकि उसने इतना दुष्ट लोग के बीच में भी परमेश्वर के द्वारा एक प्रॉफिट के रूप में वो भविष्यवाणी कर रहा था ये जिक्र कहाँ लिखा है यूदा जूड जूड वन फोर्टीन और फिफ्टीन में लिखा है इस बात को बाइबल का ही हमारा प्रमाण होता है आधार होता है इसी से मैं सिखाती हूँ आप लोग को युदा एक चौदह और पंद्रह में लिखा है और हानोक ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था इनके विषय में ये भविष्यवाणी की देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए आ, ऐसे वार्निंग्स चेतावनी देता रहा देता रहा लेकिन लोग सुना नहीं है और आगे हम देखते नूह के समय में कैसे जल प्रलय आ गया जो लोग हटीले हो गया डीट हो गया कितना भी भविष्यवाणी करो कितना भी चेतावनी दे दो नहीं सुनते हैं लेकिन फिर परमेश्वर ने उनको सबको न्याय कर दिया और फिर देखा कि पूरा की पूरा संसार उस जल प्रलय में नष्ट हो गया और परमेश्वर दोबारा से नई सृष्टि नू के द्वारा उनके परिवार के द्वारा करना पड़ा इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे ए विश्वास की हीरोस फेथ हीरोस सबसे पहले परमेश्वर स्वयं पूरा सृष्टि की और फिर उसके बाद मनुष्य को बनाया नर को बनाया नारी को बनाया फिर पूरा सृष्टि एक शब्द से बनाया लेकिन नर और नारी को अपने हाथों से बनाया अपने सांस उनके अंदर फूका और इस तरह से सृष्टि किया फलों फूलों और पृथ्वी पर राज करो और फिर ये सब कुछ विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने किया है और दूसरा हम देखा है केन और हाबिल कैसे केन का जो बलि तिरस्कार परमेश्वर ने किया क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहते अपनी गलती को मानना नहीं चाहते वो हटीले होके जलन रख के क्रोध हो के अपने भाई को मर्डर किया और फिर वो परमेश्वर के नज़र में बुरी तरह से गिर गया लेकिन हाबिल का बलि परमेश्वर ने ग्रहण किया क्यों ग्रहण किया उसका वजह क्या है मैंने वो सब कुछ आपको समझा दिया और तीसरा हम देखते हैं हानो के बारे में कैसे उस समय दुष्टता बहुत प्रबल हो रहा था लेकिन वो चारों ओर इधर उधर नहीं देखा केवल उनका केंद्र बिंदु परमेश्वर था और उसका भाता हुआ जीवन बिता रहा था और सबको चेतावनी दे रहा था भविष्यवाणी कर रहा था लेकिन लोग सुन नहीं रहे थे और फिर वो नहीं सुन रहे थे वो हटीले थे वो सब की सब जल प्रलय में नष्ट हो गया बाद में हम छः और वो आगे चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं लेकिन जो ही है जो परमेश्वर ने उनको मौत भी नहीं देखने दिया इतना ही वॉकड आफ्टर गॉड ऐसे लिखा है वो अपने साथ में उठा लिया हालेलुया इस तरह से हम भी विश्वास के द्वारा जीवित रहें और विश्वास की घोषणाएं करें वचन को लेके प्रतिज्ञाओं को लेके और विश्वास के कर्मों को करें यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा जरूर जो ये लोग हासिल किया आपके जीवन में भी प्रभु बहुत बड़े बड़े कार्य को जरूर करेंगे चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे धन्यवाद परमेश्वर महान सामर्थ्य पिता राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सारे सृष्टि का मालिक प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु ये हीरो के बारे में हम देख रहे थे किस तरह परमेश्वर ने प्रभु धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है जो हम आंखों से देखते हैं उससे नहीं प्रभु जो अंधे की दुनिया में देखते हैं पहले विश्वास के आंखों से देखते हैं और वो चीज़ को हम नेचुरल में भी ट्रांसलेट करने पाते हैं प्रभु और जो हमारी विश्वास का जीवन को आप बहुत मजबूत कीजिए जैसे बाइबल में बहुत सारे लोग प्रभु विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम किया है प्रभु हम सब दर्शकों को भी आप विश्वास को उनको मजबूत कीजिए और वचन को इनके जीवन में देधारी कीजिए प्रभु और जैसे आपने सृष्टि किया नर और नारी को जब बनाया आपने कहा फलों फूलों और पृथ्वी पर राज्य करो टेक डोमिनियन ऑफ दिस लैंड ऑफ दिस अर्थ ऐसे ही होने दे प्रभु हम सच में इस पृथ्वी का हम डोमिनियन ले सके राज्य कर सके प्रभु और जिस तरह से हाबिल का जो बलि ग्रहण किया आपने ऐसे ही हमारी बलि हमारी स्तुति रूपी बलि हमारी जीवन का प्रत्येक दिन का जो हमारी जो लाइफ है प्रभु आपके सामने है प्रभु हमारी जीवन आपको भाता हुआ जीवन हो हमारी एक एक काम आपके स्वीकार योग्य हो प्रभु और फिर इस तरह जैसे हानोक ने प्रभु परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे हैं और परमेश्वर के साथ उठा लिए गए हैं और वो उनका धन्य जीवन था प्रभु ऐसे हम सब का भी होने पाए यीशु मदद कीजिए सहायता कीजिए आत्मा का अभिषेक दीजिए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा पूरा हो यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं सुनिए ग्रहण कीजिए आमीन